दुनिया ने पकड़ के अफगानिस्तान का भी घंटा बजा दिया। मतलब लड़के ने पकड़ के बजा दिया बंदे ने पकड़ के। और हमने कभी होम में भी अफगानिस्तान को इस तरह डोमिनेट नहीं किया। देखिए एक वीकलिंग जो मुझे समझ में आया अफगानिस्तान की हार का, आज नूर अहमद आज वीकलिंग था आज वो इंडिया स्पिन को अच्छा खेलता है। नूर आज ही खिलाया तुमने सारे मैच। अफगानिस्तान की जो एफर्ट्स होती है ना पाकिस्तान के खिलाफ होती है, इंडिया के खिलाफ उन्होंने कभी एफर्ट की ही नहीं। आप लासून के जो 2-3 मैच हैं उठा के देख लें आपको पता लग जाएगा। आप मेरे कोच हो और मैं आपका शागिर्द हूँ, आप मेरे बॉस हो, बॉस से कभी कोई मुकाबला भी होता है। पर अफगानिस्तान पाकिस्तान को टफ टाइम देता है यार, पाकिस्तान की टीम है ब्रो यार, वो तो यूएसए को टफ टाइम दे गई। स्काई अच्छा खेला, फ्लूका चढ़ा दिया, बॉल स्लो रन मार गया वो। हार्दिक पांड्या अच्छा खेला, ग्राउंड के बाहर छक्का मारा ऑन टॉप ऑफ द रूफ। हाँ सूर्य कुमार यादव अच्छा प्लेयर है, इंडिया का प्लेयर है, टू डाउन भारी करता है, अच्छा प्लेयर है। तो क्या हम वो इतना तेज खेलता है, क्या हमारे पाकिस्तानियों को भी इतना तेज खेलना चाहिए? हमारे पाकिस्तानियों को तो शर्म आनी चाहिए, ये कोई क्रिकेट खेलते हैं। देखो ये हो मेरे बॉस घंटे के फैंस, मेरे पॉप्सी घंटे के फैंस आओ, जो कहते हो बाबर आजम के साथ कोई खड़ा नहीं होता। वो जी बाबर आजम का अपना कौन सा खड़ा होता है मुझे ये बताओ, अपना भी उसका नहीं खड़ा होता भाई। रियल मायनों में इसे कहते हैं घंटा बजाना। इतनी जबरदस्त बैटिंग किसी का अब्बा अगर करता है ना तो मुझे लाके दिखा दो कि बेटा इतनी जबरदस्त बैटिंग भी कोई करता है, इतनी जबरदस्त बैटिंग भी होती है, मेरा घंटा इतनी जबरदस्त बैटिंग कोई करता है या होती है बेटा। लेकिन हैट्स ऑफ टू द मेन गाय द बैम्बूजल वन द सूर्य द मिस्टर 1440, गलत नाम नहीं दिया था इस पिच पे, उसने 190 कर दिया स्ट्राइक रेट, इसका मतलब उसने किसी बैटिंग पैराडाइज पे 300 कर दिया। उस इनिंग की बदौलत अफगानिस्तान के बॉलर्स के औसान खता हो गए। शानदार बैटिंग की है सूर्य कुमार यादव। हार्दिक पांड्या जिसको बहुत सारे लोग कह रहे थे निकालो बाहर करो फारिग है, तो उसने दिखाया भाई अभी वो फारिग नहीं है, खौफनाक बैटिंग। वर्ल्ड कप में आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही है? पाकिस्तान तो आप बाहर हो गया। यूएसए को। आप? इंडिया। इंडिया और आप? यूएसए। यूएसए और आप? हैदराबाद। किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कह दूं कि जब वापस आ रहे हो तो अबू धाबी एयरपोर्ट से मेरी फेवरेट कॉफी मिलती है वो ले आना। मैं बजाऊंगा पकड़ के घंटा सबका, मैं बजाऊंगा। मैं इस बात पे कसम उठा सकता हूँ जिस तरह स्वीप पे चौके मारे हैं ना सूर्या कुमार यादव ने राशिद खान को, अब मेरा जिम्बू कब मारेगा इस तरह के, क्योंकि मेरा जिम्बू भी भाईजान T20 में नंबर वन रह चुका है, मेरा जिम्बू भी T20 का नंबर वन रह चुका है, लेकिन मेरा जिम्बू कब मारेगा मेरा जिम्बू। विराट कोहली यानी कि इफ्फी के अब्बू 24 में 24, तो चूस लो ना मेरे अब्बू के पकड़ के। नाम भी तो लें किसने कहा है, चूस लो ना पकड़ के यार, किसी ने भाई ने कहा है तो मेरे अब्बू को क्यों देख रहे हो? ठीक है अपने अब्बू को देखो, सबको तो अपने अब्बू पे क्या, उसके तो हार मेरे अब्बू पे यकीन है तुम्हें, उसके तो अब्बू पे यकीन है तुम्हें नहीं, उसके तो हार गए। मैं ये कह रहा हूँ कि टर्मिनेटर लड़के हैं मेरे अब्बू के, कौन सूर्या पांड्या, पांड्या नहीं चल रहा था, हमने कहा था वर्ल्ड कप में चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद पंत आ जाए जी, जो एक जो कॉस्मोपोलिटन स्टैंड है जो विराट और उसके साथ है पंत के साथ का, वहां से जुम्बिश हिली थोड़ी सी, लगा आपको कि यार अब जाएगा 160-170 के ऊपर, और फिर वो आया सूर्या जिसको वासे ने 400 और 1440 का था, मैंने 1440 ने काट के लगाया था 1440 पे, बताया था सिर्फ एक ही नहीं थी कि वो एक बॉल को चार जगह खेलता है। अच्छा फिर उसके बाद कोई भी आया उसने ये नहीं बताया कि हम डरे में हमारी मिट्टी गिर गई है। देखिए ना इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बन गई है, हम तो एक साथ ही आजाद हुए थे। मैं आपको बताती हूँ, एक उनके पास विराट कोहली है, दूसरा उनके पास अनुष्का शर्मा है विराट कोहली के साथ, तो बस उनका कॉम्बोज अच्छे, उनके पास कॉम्बो अच्छे, हमारे कॉम्बोज हमारे ना हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, हम जाते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत खेले हैं। ट्रेनिंग करवाई तो है आर्मी ने, ट्रेनिंग करवाई तो है, फिर भी किसी काम नहीं है। मेरा मैसेज मोहसिन नकवी साहब को ये है कि आप अपनी सुपरविजन के नीचे खुद इनकी ट्रेनिंग कराएं, शायद कुछ कर अगर यही जोड़ी अगर ओपनिंग करेगी तो जो है ना ये बाबर आजम और रिजवान की जो हालत थी तो हम तो बांग्लादेश से भी मैच हारते थे। 10 ओवरों में हमें 10 ओवर में हमसे 60 रन नहीं होता, एक बॉल पे 1 रन की एवरेज है।
अब वो अच्छा प्लेयर है, सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा प्लेयर है, वो आता है टू डाउन आता है। तो आपने देख ली होगी टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप, अगर विराट नहीं चलते या रोहित नहीं चलते वो टीम फिर भी 181 कर लेती है। अमर जम्बू के जो फैंस है वो किधर गए हैं? आपने इंडिया की बैटिंग लाइनअप देख ली है तो विराट भी नहीं चला, रोहित भी नहीं चला, रन कितने किए हैं 181, और हमने कभी हाफ में भी अफगानिस्तान को इस तरह डोमिनेट नहीं किया। सूर्य कुमार यादव मिस्टर 360 ऑफ T20, सूर्या कुमार यादव अब्बू जी ऑफ T20, अब्बू जी एक मिनट, ये सूर्या कुमार यादव के लिए भाई मैं बजाने लगा हूं, जो उस बंदे ने आज बजाया ना पकड़ के, मैं कहता हूं चस आ गई है, ये सूर्या कुमार यादव के लिए है। मतलब लड़के ने पकड़ के बजा दिया बंदे ने पकड़ के। विराट कोहली आउट हो गया, रोहित शर्मा आउट हो गया, बॉलिंग सामने कौन कर रहा है? राशिद खान, नूर अहमद, मोहम्मद नबी, फजल हक फरूकी। मतलब सूर्या कुमार यादव ने जो पकड़ के बजाई है आज, वो किधर गए हैं मेरे घंटे के फैंस, मेरे घंटे के किंग, किधर गए हैं मेरे घंटे, किधर गए हैं जो कहते थे सूर्या कुमार यादव तो जी वो आईसीसी मेंट में तो चलता ही नहीं है, ये तो फारग है, ये तो ये है। तो बेटा आपके अबू, आपके पापा स्काय ने आज तो बजा दिया पकड़ के, आपके पापा स्काय ने पकड़ के आज बजा दिया सबकी। आज उसने बता दिया कि अगर विराट नहीं चला, रोहित नहीं चला, तो T20 का पापा तो मैं हूं, तो T20 में मेरा पापा इज्म चलेगा। इंडिया तो गाइस मुझे इनसे बिल्कुल नहीं उम्मीद थी, ऐसे मरोड़ छड़ोड़ के ऐसे ऐसे मक्खियों की तरह ऐसे ऐसे रोटी पका पका कैसे करके फेंका है ना महज। हाँ, कोई उम्मीद नहीं पाकिस्तानी टीम से, कोई उम्मीद नहीं है, खत्म उम्मीद, मुझे थोड़ी 1% ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंडिया है, लेकिन मेरा मन है कि ऑस्ट्रेलिया होता है। वर्ल्ड कप के अंदर कौन सी टीम आपको लग रहा है वर्ल्ड कप जीतेगी? इंडिया। और क्या वेस्ट इंडीज यार, जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं मुझे इंडिया नजर आ रही है, इंडिया नजर आ रही है आपको? इंडिया ही। सर वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीती हुई नजर आ रही है? पाकिस्तान तो बाहर हो गया, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? इंडिया को। सर आप जीतेगी? वेस्ट इंडीज। सर आप ऑस्ट्रेलिया को पसंद है ना? हार तो रहे हैं तो कुछ तो ढंग का काम करें, इतने पैसे कहाँ जा रहे हैं? हाँ, खेल तो रहे हैं तो आप नाइकी के जरा जूते भी उठाते हुए लाए, शॉपिंग ही करने गए हुए, क्रिकेट खेले, स्टारबक्स से कॉफी ले आए, ठीक है, और M&M's ले आए, दैट्स इट, बस वापस आते हैं। देखिए ना इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बन गई है, हम तो एक साथ ही आजाद हुए। मैं आपको बताती हूँ, एक उनके पास विराट कोहली है, दूसरा उनके पास अनुष्का शर्मा है विराट कोहली के साथ, तो बस उनका कॉम्बोज अच्छे, उनके पास हमारे कॉम्बोज, हमारे ना प्रॉब्लम ये है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, हम जाते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत खेले हैं। आर्मी ने ट्रेनिंग करवाई तो है फिर भी किसी काम नहीं। एक सेकंड, मेरा मैसेज मोहसिन नकवी साहब को ये है कि आप अपनी सुपरविजन के नीचे खुद इनकी ट्रेनिंग कराएं, शायद कुछ कर आजम खान खाना कम खाया करो, यही पीसीबी का चेयरमैन ही चेंज कर दें।